मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज अहमद मुश्तवा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। टुडे द वीडियो इज गोइंग टू बी अनदर मेकअप फाउंडेशन फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो, और आप लोगों की बेहद बेपनाह रिक्वेस्ट के ऊपर आई गॉट दिस फाउंडेशन। पता नहीं इतना क्रेज क्यों है इस फाउंडेशन का, तो मैंने कहा यार लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गैबरीनी की इनविजिबल मैट फाउंडेशन, जो कि आप लोगों ने इतना मुझे इतने कमेंट्स किए कि यार इसका रिव्यू जरूर करें, तो मैंने कहा चलो लेट्स डू इट। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू से कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन गो एंड हिट सब्सक्राइब, साथ में घंटी जरूर बजाएगी ताकि जब कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो दिस इज द फाउंडेशन विच इज कॉल्ड गैबरीनी विजिबल मैट प्रोफेशनल फाउंडेशन SPF 15, और इसमें जो शेड है मेरे पास दैट इज 02, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो। आई थिंक 3-4 शेड्स जो हैं वो इसके अवेलेबल हैं, बट आई गॉट नंबर 2 बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये अच्छे से जो है वो यूज़ हो जाएगा मेरे पे भी। और अगर आप इसको देख पाए ना, तो ये थोड़ा सा पिंकिश अंडरटोन में है, विच आई एम नॉट अ फैन ऑफ बिकॉज हम लोग ब्राउन पीपल हैं एंड वी हैव येलो अंडरटोन, बट दिस इज ओके। ठीक है, तो अभी मैं इसको जो है वो अप्लाई करने वाला हूँ। और नंबर 2 की जो है बहुत डिमांड है और मुझे बड़ी मुश्किलों से मिला बिकॉज हर जगह पे नंबर 2 जो है वो अवेलेबल नहीं होता। 3 और 4 जो डार्कर शेड्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो सिर्फ 4 शेड्स जो है वो इसके अवेलेबल हैं। एंड आई गॉट माई हैंड्स ऑन नंबर 2, और दिस इज अ सील्ड प्रोडक्ट। अभी तक मैंने इसको जो है बिल्कुल ओपन नहीं किया। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू गाइस द फर्स्ट इंप्रेशन, द ओरिजिनल फर्स्ट इंप्रेशन, कि क्या है ऐसा इस फाउंडेशन में कि एवरीवन इज यू नो अ फैन ऑफ इट एंड एवरीवन इज लविंग इट। मे बी बिकॉज ऑफ वन चैनल, पाकिस्तान का एक चैनल जिसने बहुत ज़्यादा गैबरीनी को प्रमोट किया, और उससे भी पहले गैबरीनी जो था वो काफ़ी फेमस था, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है खासतौर पर इस फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। सो एनी वेज, दिस इज़ अ सील्ड प्रोडक्ट एंड आई एम गोइंग टू ओपन दिस वन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। और इसका जो फ्लैप है उसको हम लोग ज़रा सा उतारते हैं, तो ये इसका जो प्लास्टिक है, लेट्स पील दिस ऑफ। Let's see. This is a struggle without nails, क्योंकि मुझे nail biting की आदत है और मेरे nails नहीं होते. So, okay. Whatever. So, I'm just going to open this one up like this. Okay. भाड़ में जाओ तुम। खैर, this is the foundation, और इसका बड़े खूबसूरत सी इसकी जो है वो packaging है red and gold में, और काफ़ी मज़े का इसका जो है वो red color का pump है with the gold lid, और लेट्स सी कि क्या इसका जो है वो रिजल्ट है। अच्छा, एज यूजुअल जैसे कि हम लोग किसी भी फाउंडेशन का रिव्यू करते हैं, हाफ आई विल बी अप्लाइंग द फाउंडेशन विद माई ब्रश एंड हाफ आई विल बी यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर। सो अभी मैंने जो है वो शॉवर लिया है एंड माई फेस इज क्लीन, आई हैव नथिंग ऑन, नो मॉइस्चराइजर, नो प्राइमर एट ऑल। आई एम जस्ट गोइंग टू सी कि ये जो फाउंडेशन है, ये विजिबल मैट जो फाउंडेशन है, कितनी मैट है, कितनी फुल कवरेज है और कितनी ज़्यादा देर जो है वो ये लास्ट करती है। सो लेट्स गेट इन टू इट। आई एम जस्ट गोइंग टू draw the first pump. Okay, बस आई थिंक ये पम्प जो है दैट इज गोइंग टू बी इनफ। मे बी थोड़ी सी और यू नो टेक। नाउ इट्स अ पम्प, इट हैज अ स्मेल, इट हैज अ सेंट। सो ओके, दिस इज नॉट पिंक, असल में ये थोड़ा सा कैमरे पे पिंक लग रहा है, बट पता नहीं क्यों दिस इज अ वेरी न्यूट्रल येलो अंडरटोन इसकी जो है वो लग रही है मुझे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस वन ऑन टू द फर्स्ट हाफ ऑफ माई फेस। फर्स्ट तो ऐसे क्या जैसे पता नहीं कितने हाफ है मेरे फेस के। सो द हाफ ऑफ माई फेस, क्लियरली दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लाइट शेड देन मी, बिकॉज आपको पता है गर्मियाँ हैं और गर्मियों में जब हम ड्राइव करते हैं, बाहर जाते हैं, तो स्किन का बहुत बुरा हाल होता है। तो मैं इस वक्त काफ़ी टैन हूँ एंड ऑफकोर्स दिस इज गोइंग टू बी अ वे लाइटर शेड फॉर मी। सो लेट्स सी कि इसकी कवरेज है वो कितनी अच्छी है और ये ग्रे करती है स्किन को या नहीं। सो फार आई कैन सी कि काफ़ी जल्दी ड्राई हो रही है और इट्स मैट, मतलब मुझे लगाते हुए लग रहा है कि जो थोड़ी सी रह गई है ना वो ज़रा देर से ब्लेंड हो रही है। सो अगर आपको ज़रा जल्दी जल्दी इस पे काम करना पड़ेगा। सो जस्ट, मेरी वीडियो में कोई चीज़ गिरे ना, ये हो सकता है। जो मेरा फेवरेट ब्रश था जिसके बारे में आप सारे पूछते थे कहाँ से लिया, उसकी पीछे से डंडी टूट गई है। खैर, एनीवेज, आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट लाइक दिस। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड दिस वन। यस, दैट इज अ फाउंडेशन जिसको आपको काफ़ी जल्दी काम करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो जहाँ पर ये ड्राई डाउन हो रही है इट इज़ नॉट ब्लेंडिंग ईजीली। To be honest, I am
seeing a medium coverage. It's not really full coverage foundation. Like if I could zoom you guys in, अभी मैं ग्रे लग रहा हूँ बिकॉज इसकी एंडरटोन जो है वो थोड़ा सा पिंक में है, पता नहीं क्या मसला है, लेकिन यू नो आई एम लुकिंग ग्रे. ये होता है जब आप अपनी सही एंडरटोन नहीं लगाते. दिस इज़ अ लाइव एग्जाम्पल. सो इफ़ आई कुड शो यू लाइक, सो अगर मैं आप लोगों को जूम इन करके बताऊँ तो ये जो यहाँ पर मैंने फाउंडेशन लगाया था जो थोड़ा सा मेरी फिंगर पर रह गया था, ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा बिकॉज यू नो ये ड्राई डाउन हो चुका है. ऑलराइट, सो ये जो है वो तो हमने लगा लिया जनाब अपने ब्रश के साथ. नाउ विल सी, अभी नया नकोर जो है वो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर खोला है, ब्यूटी फाइव आमना का, बिल्कुल यू नो ब्रैंड न्यू. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पिक अप द फाउंडेशन विद दिस, और इसके साथ जो है आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट टू द अदर हाफ ऑफ माई फेस. Definitely getting more coverage because मैं direct apply कर रहा हूँ इसको, मैंने dots नहीं लगाए हैं. So yes, और साथ में blending भी ज़्यादा अच्छी हो रही है because मैं इसको साथ साथ blend कर रहा हूँ, मैंने इसको dots लगा के छोड़ा नहीं है. So and almost similar finish है, but still you know I am loving the side with the beauty blender. So I would recommend कि अगर आप लोग थोड़ा सा dewy look चाहते हैं, थोड़ा सा you know soft look चाहते हैं, तो you should get a beauty blender for this. But still with the beauty blender I would say this is a medium coverage foundation, this is not a very full coverage foundation. This is the half with the beauty blender, so this is the half with the beauty blender and this is with the brush. And you can see कि इसमें थोड़ा सा glow है because हमारा जो beauty blender है that is damp. और ये side जो है वो बिल्कुल matte है, इसमें कोई as such जो है वो shine नहीं है. So it is a matte foundation. The undertone, I'm not liking the undertone. मैं इस वक्त grey लग रहा हूँ. In these lights I'm looking like grey. मुझे लगता है कि मुझे जो lights हैं वो yellow करनी पड़ेंगे. Okay, so मैंने अपने जो यहाँ studio की lights हैं उनको मैंने yellow कर दिया. Now I'm looking ओके, बट ट्रस्ट मी ये थोड़ा सा ग्रे लग रहा था मुझे क्योंकि इसकी जो अंडरटोन है नंबर टू की, दैट इज़ यू नो इट्स वियर्ड बिकॉज यहाँ पे अगर मैं इसको लाइव देख रहा हूँ तो मुझे येलो अंडरटोन लग रही है इसकी, और जब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो ये पिंक अंडरटोन लग रही है, खासतौर पे कैमरा में पिंक लग रही है. पता नहीं क्या इशू है, दिस इज़ लाइक हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हेयर, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या इसमें इशू है. बहरहाल जी मीडियम कवरेज फाउंडेशन है और you need to apply more अगर आप इसको cover करना चाहते हैं. This is matte which is perfect for summers. अगर आप summer के लिए अपनी base बनाना चाहते हैं तो this is going to be really very good. 1500 की ये foundation है. आपको अब पता नहीं increase होगी price तो कितनी होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये मैंने 1500 की ली थी. And this is how it is looking good. Let me set this foundation and I will be right back. Alright, welcome back once again to the channel and this is how the foundation is looking. It is looking really very good and It's really lightweight. It is really very matte. मतलब कुछ ऐसी होती है ना फाउंडेशन जो सेमी मैट होती है, मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि दिस इज अ मैट फाउंडेशन, लेकिन इसको लगा के फिर भी एक स्किन लाइक फिनिश आ रही है. इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है, दिस इज़ अ वेरी डेड स्ट्रेट यू नो मैट. अभी मैंने थोड़ा हाईलाइटर लगा के जो है वो अपने फेस पे थोड़ा ल्यूमिनोसिटी वापस लेके आया हूँ, अदरवाइज इट वॉज वेरी मैट फाउंडेशन. और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूँ कि इसको जब आप अप्लाई करते हो, देखें अब ये लाइटिंग मैंने चेंज किया ना तो ये येलो लग रही है, अदरवाइज वाइट लाइट के अंदर इट वॉज लुकिंग पिंक अंडरटोन और मेरा फेस भी जो था वो ग्रे लग रहा था. ठीक है, अभी मैंने जो सेट किया इसको विद द पाउडर जो थोड़ा सा येलो अंडरटोन के साथ था, तो आई एम लुकिंग बैलेंस्ड. और दूसरी बात ये कि दिस इज़ अ फाउंडेशन जिसके साथ आपको बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा. मतलब आपने निकाली और उसके बाद आपने लगाया, यू कैन नॉट लीव इट डॉट्स लगा के आप इसको जो है वो काम नहीं कर सकते. यू जस्ट नीड टू यू नो ब्लेंड इट रियली फास्ट ताकि ये जमे नहीं, क्योंकि जहाँ पे ये ड्राई डाउन हो जाती है वहाँ से थोड़ा सा आपको एफर्ट करके जो है उसको ब्लेंड करना पड़ता है. अदरवाइज ओवरऑल आई वुड से कि दिस इज़ अ वेरी गुड फाउंडेशन और 1500 के अंदर दिस इज़ लाइक आई कैन सी वाई द हाई प्राइस. लेकिन मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि दिस इज़ अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन और फिर भी काफ़ी लोग जो है काफ़ी चैनल्स कह रहे थे कि यू नो यू कैन यूज़ ऑन इट्स ओन कि आप इसको ब्राइडल के लिए यूज़ कर सकते हैं. मेरा नहीं ख्याल है कि ये अकेले ब्राइडल के लिए इतनी कवरेज जो है वो प्रोवाइड करेगा. जो हमारे यहाँ पे ब्राइड को फुल ऑन कवरेज चाहिए होती है ना, वो मेरा नहीं ख्याल है कि ये खाली आप लगा कर जो है वो कवरेज ले सकते हो. यू नीड टू हैव यू नो समथिंग ऑन, ईदर द कंसीलर और स्टिक आप कुछ जो है वो लगा सकते हो. एनीवेज सो दिस इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ गैबरिनी की विजिबल मैट प्रोफेशनल फाउंडेशन. दिस इज़ अप्रूव्ड
एंड यू कैन डेफिनेटली यू नो गिव इट अ ट्राई अगर आप लोग लेना चाहते हैं कोई ऐसी फाउंडेशन जो कि गर्मियों के लिए आपके लिए बहुत अच्छी हो. अगर आपकी स्किन काफ़ी ऑयली है, ये कॉम्बिनेशन है, यू वॉन्ट अ मैट फाउंडेशन, सो यू शुड यू नो गिव इट अ ट्राई. इट्स वर्थ इट. लेकिन आप अपना शेड जो है वो ध्यान से देख के मैच करके जो है वो लीजिएगा, बिकॉज चार शेड्स हैं. दिस इज नंबर टू जो कि थोड़ा सा मुझे अंडरटोन का इसका जो है वो इशू लग रहा है, पता नहीं क्यों, या तो लाइटिंग्स की वजह से या कोई और वजह है. ये मैं इसको थोड़े दिन यूज़ करूँगा, देन आई विल गेट टू नो अबाउट इट. सो यू नो अपना शेड जो है उसको वाइजली चूज़ करें. ऑक्सीडाइज इतनी नहीं होती है, बहुत ही कम ना होने के बराबर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है. और दिस इज़ गुड, यू नो दिस इज़ गुड. सो गिव इट अ ट्राई. So thank you so much guys for watching this video. If you like it, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos like that. I will definitely see you guys in the next one. Tab tak ke liye apna khayal rakhiyega, duaon mein yaad rakhiyega, and finally Allah Hafiz from my side.